हेलो एवरीवन, आज मैं पनीर स्टफ्ड मूंग दाल चीला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये शादी या पार्टी में बनने वाली एक खास डिश है। इसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में भी खाया जा सकता है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पीली मूंग दाल को धोकर और 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा हुआ है। अब उसके पानी को निकाल दिया है। अब इस दाल को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये दाल का पेस्ट बन गया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे कलर के लिए, जिससे एकदम पीला कलर आएगा। अब इन सबको मिक्स कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखेंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने मैश किए हुए 150 ग्राम पनीर को लिया है। उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उसे मिक्स कर दिया है। अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, इन सबको डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक हल्का रखेंगे, क्योंकि हमने पेस्ट में भी नमक डाला है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 स्पून गरम मसाला पाउडर। और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस। इन सबको डाल के इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले एकदम सही से मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम तवा गरम करने गैस पर रख देंगे। जब तवा गरम हो जाएगा, उस पे ग्रीस करके और 2 बड़े चम्मच पेस्ट तवे पे डालकर ऐसे गोल गोल बना देंगे। चीले की तरह हमें इसको बनाना है एज इट इज। इसको ज्यादा थिक नहीं रखना है। अब इस पे ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि मैंने नॉनस्टिक तवे का यूज किया है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको पलट कर दूसरी तरफ से हल्का सेक लेंगे। दूसरी तरफ से हमें हल्का ही सेकना है और ऊपर से हल्का ऑयल लगा देंगे। अब इसको पलट कर इसमें पनीर वाली स्टफिंग स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग को करीब आधे चीले के ऊपर हम अच्छे से फैला देंगे। और दूसरे सिरे से इसको ऐसे पलटकर फोल्ड कर देंगे। और ये मूंग दाल चीला एकदम रेडी है। ये बहुत हेल्दी डिश है और बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक्स है। इसको आप कट करके या ऐसे फूल कैसे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको हरे धने की चटनी या सॉस या इमली की चटनी किसी के भी साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।